हमारे राजस्थान में हर साल 1000 शिशुओं में 63 शिशु और 1000 धात्री माताओं में से 380 माताओं की मृत्यु हो जाती है। तो शिशु व धात्री माताओं की मृत्यु दर है वो राजस्थान में राष्ट्रीय धात्री व शिशु मृत्यु दर से कहीं ज़्यादा है। तो राजस्थान के धात्री व शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा पिछले दो साल से सरकारी अस्पताल में यशोदा योजना लागू की गई है। यशोदा योजना के तहत हमारे करौली के सरकारी अस्पताल में लगभग 20 महिलाओं को ट्रेनिंग देकर काम पर लगाया गया है। जिनकी यह जिम्मेदारी है वो ख्याल रखें कि प्रसव के बाद महिलाओं को 48 घंटे तक डिस्चार्ज नहीं किया जाए, प्रसूति के 6 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध पिलाया जाए और कई सारी जिम्मेदारी इस योजना के अंतर्गत आती हैं। हमारे करौली के सरकारी अस्पताल में भी 2 साल से यशोदा योजना लागू है, लेकिन इस योजना का जो है सही रूप से धात्री माताओं को और शिशुओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको यशोदा योजना के बारे में पता है? नहीं तो आपको यशोदा योजना के बारे में पता है? बच्चा कब हुआ है आपके? रात को 10:10। आपको यशोदा योजना के बारे में पता है? मैंने खुद काफ़ी समय बिताया, मेरी नज़र में आया कि ये यशोदाएँ कुछ खास काम नहीं कर रही हैं, दूर जाकर गपशप हाँक रही हैं। यहाँ तक कि गर्भपात माताओं के पास में यशोदाएँ मिलने तक के लिए नहीं जाती हैं। ठीक से लागू न होने के कारण ना तो स्थिति में सुधार आया, ना ही योजना का लाभ गरीब महिलाओं को मिल रहा है। एक महिला और 3 बच्चों की माँ होने के नाते मैं इन्हीं गरीब महिलाओं का दर्द बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जब पूछताछ करने के लिए जिला चिकित्सा अधिकारी CMHO डॉक्टर वीके अग्रवाल के पास पहुंची तो वहां के डॉक्टर वीके अग्रवाल ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने मुझे जानकारी देने से भी इनकार किया। मैं चाहती हूं कि इस अस्पताल के इस योजना के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी गंभीरता से लें और इस पर कार्रवाई करें। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।